नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि IPL ऑक्शन जो 2019 का हुआ है हाल ही में जयपुर के अंदर, उसके अपडेट को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर इस बार की यह रही कि धुआंधार बल्लेबाज भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह को मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ रुपये में ख़रीद लिया है। पहले दौर की नीलामी के अंदर वो चुने नहीं गए थे, उनको किसी भी टीम ने ख़रीदा नहीं था, किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं जताया था, लेकिन उन्होंने जो बेस प्राइस तय किया था 1 करोड़ का, उसको उसी के अंदर युवराज सिंह को मुंबई इंडियंस ने दूसरे राउंड की उसमें नीलामी में ख़रीद लिया है। वहीं मोहित शर्मा को चेन्नई की टीम ने 5 करोड़ रुपये में एक बार फिर से अपना कर लिया है। पहले आपको बता दें कि मोहित शर्मा चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर ही खेला करते थे और महेंद्र सिंह धोनी जो कि उसके कप्तान हैं, उनके चहेते खिलाड़ी रह चुके हैं, तो इसीलिए उन्होंने उनको 5 करोड़ रुपए के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स ने मोहित शर्मा को ख़रीद लिया है। मलिंगा, जिन्हें पिछले साल मुंबई इंडियंस ने मेंटोर के रूप में रखा था अपनी टीम में, बॉलिंग मेंटोर के रूप में, उन्होंने वापस से इस बार टीम में शामिल किया गया है। उनको 2 करोड़ रुपये के अंदर टीम में शामिल किया गया। इस बार आपको फिर से वो गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे मुंबई इंडियंस की तरफ से। आपको बता दें कि 4 बॉल में 4 विकेट लेने वाले मलिंगा पहले ही एक ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने वर्ल्ड कप में करिश्मा करके आपको दिखाया था। डोमेस्टिक में अपना शानदार प्रदर्शन करने वाले हनुमा विहारी को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ में ख़रीदा है। आपको बता दें कि फ़िलहाल हनुमा विहारी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने एक पर्थ क्रिकेट टेस्ट में काफ़ी अच्छी पारी खेल करके भारत को एक सही स्थिति में लाने की कोशिश करी थी। खैर, भारत तो मैच नहीं जीत पाया, लेकिन हनुमा विहारी अपने डोमेस्टिक सीजन में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं, इसलिए उनको दिल्ली कैपिटल्स ने ख़रीदा है। आपको ज्ञात ही होगा कि कुछ दिनों पहले दिल्ली डेयर डेविल्स का नाम दिल्ली कैपिटल्स रखा गया था। हो सकता है उनकी टीम शायद पिछले कई सीज़न से चल नहीं पाई, तो इस बार उन्होंने अपना नाम चेंज करके अपना लक को आजमाना चाह रहे हैं। वहीं जयदेव उनादकट को राजस्थान रॉयल्स ने 8.4 करोड़ में ख़रीदा है। जयदेव उनादकट एक फास्ट राइट हैंड बॉलर हैं जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पहले भी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे, फिर पुणे वॉरियर्स पुराने टीम में पुणे के लिए खेल रहे थे, फिर इस बार वापस से राजस्थान रॉयल्स के लिए इस बार खेलते हुए आपको दिखेंगे अजिंक्य रहाणे की कप्तानी के अंदर। सबसे आकर्षण का केंद्र रहे शिवम दुबे, जिन्हें बेंगलोर की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 5 करोड़ रुपये में ख़रीदा है। वह एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, काफ़ी लंबे छक्के मारने के लिए मशहूर हैं। दोस्तों, उन्हें खुद भी ये जानकर हैरानी हुई कि वो अपनी बेस प्राइस से काफ़ी ज़्यादा उनको दाम मिल गए 5 करोड़ के अंदर। पहली बार अनकैप्ड प्लेयर हैं और पहली बार वो 5 करोड़ रुपये में चले गए। दोस्तों, इस बार 2019 का IPL जो है काफ़ी शानदार रहेगा, देखने में मज़ा आएगा। इसी तरीके से हम आपको IPL की और क्रिकेट की, जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, उसकी जानकारी आपको मुहैया कराते रहेंगे। तो आप हमारा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।